गई तो आप कह सकते हैं कि एक सामाजिक विषमता असमता जो है सामाजिक असमता वो हमारे समाज में शामिल। सन 2012 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह घोषणा की कि प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य समाज में यह जागरूकता लाना है कि लड़कियों को वह हर अधिकार और सम्मान मिले जो समाज में हमेशा से लड़कों को मिलता आ रहा है। बेटियां सशक्त होंगी तभी समाज सशक्त होगा, क्योंकि भले ही लड़के आज हैं, लेकिन लड़कियां आने वाला कल हैं। आज लड़कियां प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं बहुत कुरूतियों का सामना करना पड़ता है। आज लड़कियां प्रत्येक क्षेत्र में आगे हैं, चाहे खेलों में गोल्ड मेडल जीतने की बात हो या मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होकर देश सेवा करने की बात हो या फिर अंतरिक्ष में जाकर नाम हासिल करना हो या फिर कुछ कर गुजरने की भूख दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकार ने उनकी हौसला अफजाई के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं, जिसमें अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस भी एक है। और बालिका सम्मान के प्रति दुनिया को जागरूक करना ही प्रमुख उद्देश्य है। हम देखते हैं लड़कियां प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर नाम रोशन कर रही हैं। इंदिरा गांधी दुल्हन की तरह कर चलते हैं। लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है। कुछ भी नहीं अंतर फिर भी जल्द पहले मारी जाती है। बेटियां 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 बेटियां। थैंक यू। अरे कैसा लगे कुछ नहीं, कैसा लगो कैसा लगो अरे कैसा लगो कैसा लगो कैसा लगो कैसा लगो। थैंक यू। आज है बेटी सुबह की पहली किरण है बेटी, तारों की शीतल छाया है बेटी, आंगन की रिड़िया है बेटी, त्याग और समर्पण सिखाती है बेटी, नए नए रिश्ते बनाती है बेटी, जिसका चाहे उजाला लाती है बेटी, बार बार याद आती है बेटी, बार बार याद आती है बेटी। बेटी की किस्मत उससे पूछो जिनके पास नहीं है बेटी, जिनके पास नहीं है बेटी। आपको लगता है ठीक है यहाँ पर बोझ है।
है।